देखो एक बात समझना, सभी लोग काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हम लोग भी सुने हैं, उनका एक हमेशा यही कहना होता है कि उम्र के सही पड़ाव पर अगर सही चीज़ें की जाए तो उनका सच में अर्थ रहता है। समझ रहे हैं? कोई अगर 60 साल की उम्र में मेरे दोस्त बाइक उठाकर अगर राइड पे जा रहा है, शायद उतना मज़ा तो उसमें भी है, ठीक है, वो इन्जॉय कर पा रहे हैं, लेकिन यार दोस्त अगर वही व्यक्ति 25, 30, 35 साल में जा रहा है तो उसका एक अलग क्रेज होता है। अब R15 मेरे दोस्त अगर किसी को खरीदनी होती थी तो कौन सा व्यक्ति ज्यादा पसंद करता था? यंगस्टर ऑब्वियसली। ओके, तो समय का सारा खेल है, आपकी उम्र बड़ी मायने रखती है। मैं उम्र से यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, काफ़ी चीज़ों काफ़ी तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं, बट अगर उम्र के कॉन्टेक्स्ट में समझें कि समय सही है, सही समय पर अगर सही चीज़ें की जाए तो उसका परिणाम भी सही दिशा में होता है, भले थोड़ा देरी से मिले बट आपको परिणाम डेफिनेटली मिलता है। देखो समय की कीमत को समझिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इसलिए एक हार जाते हैं, इसलिए कुछ नहीं पा पाते, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि आज नहीं यार कल करेंगे, आज नहीं यार कल करेंगे, आज नहीं यार कल करेंगे, अरे यार कल कर लेंगे। जिस प्रकार घड़ी में मेरे दोस्त अलार्म लगाते हैं 5 बजे का और उठते मेरे भाई 6 बजे हैं, उसका कारण क्या है? स्नूज लगा के, अरे यार चलो 10 मिनट और सही, अरे भाई 15 मिनट और सही, 20 मिनट और सही, 25 मिनट और सही। ऐसी ज़िंदगी में भी हम लोग स्नूज लगाते हैं, किस तरीके से, अरे यार चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं मेरे दोस्त तरसों कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग इस समय की कीमत को समझ नहीं पा रहे। आप मेरे दोस्त अगर आपके हाथ से अगर खून यहाँ से कट के निकलने लगे मेरे, या आपके किसी व्यक्ति के भी, तो वो घबरा जाएगा, उसको लगेगा अरे यार ये मेरे साथ क्या खराब हो रहा है, ठीक है। लेकिन उससे बदतर स्थिति होती है जब आप इसको गंवा रहे होते हैं, जब इसको गंवा रहे होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझना होता है, दिखता नहीं है ये ऐसे एक ऐसी चीज है ना, ये मेरे दोस्त आपके हाथ से मतलब रेत की तरह फिसल रही होती है, लेकिन ये आपको दिख भी रही होती है बट आपको समझना भी होता है, ठीक है। कैसे दिख रही होती है कि हाँ यार मुझे लग रहा है, मुझे एहसास हो रहा है, लेकिन ये तो आपको आंखों से दिख रहा होता तो आदमी घबरा जाता, अरे यार खून निकल रहा है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन समय निकल रहा है अपने काम को करते हैं उसको नहीं समझ पाते। समझिए दोस्त, ये आपके पास एक ऐसी चीज है ना, अगर सही समय पर सही चीज मिल जाती है ना तो उसका मेरे दोस्त अर्थ ही कुछ और होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे जब भी हम लोग शिक्षा भी प्राप्त करते हैं और हम लोगों को अगर सही गाइडेंस मिलती है तो हम लोग शायद जिस चीज़ को पाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है वो कम समय में पा लेते हैं, और नहीं गाइडेंस होती तो फिर गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। मेरे दोस्त पा तो लेते हैं लेकिन हाँ उसे पाने में समय काफ़ी लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, समय की कीमत को समझिए। समय की कीमत का मतलब ये है कि जो निश्चित किया है, जिस समय पे किया है उस समय पे करिए, और दोस्त कोशिश करिए बेहतर तरीके से करने की, ओके। क्योंकि सही समय पे की गई चीज़ का सही परिणाम आपको जो मिलता है ना उसका मज़ा भी अलग है, ओके। तो सही समय बड़ा मायने रखता है, ठीक है।